स्टॉक चीनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। यहां पर हम जानेंगे क्या होने वाले हैं इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स, क्या होंगे टारगेट्स एंड क्या स्ट्रेटजी हम लेकर चलें 31 मार्च के लिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों, बात करते हैं जैसे ही स्टॉक ओपन होता है गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिलती है। स्टॉक हाई बनाता है 7278 रुपये का और देखिए 7241 यानी कि 7241 रुपये के करीब ट्रेड करता हुआ स्टॉक नज़र आ रहा है। डेली चार्ट बेसिस पर आप देखेंगे एक शानदार ब्रेकआउट हमें देखने को मिल चुका है और अगर यही तेज़ी बरकरार रहती है तो देखिए 7500 रुपये का टारगेट जल्द ही स्टॉक अचीव करता हुआ नज़र आएगा। तो ऊपर की तरफ 7500 रुपीज़ का टारगेट लेकर चल सकते हैं। बात करें इन लेवल्स पर बाइंग करें नहीं तो बिल्कुल डेफिनेटली एक शानदार बाइंग का मौका यहां पर बना हुआ है, तो बिल्कुल ऐड करके चल सकते हैं यहां पर बजाज फाइनेंस को। अगर आपके पोर्टफोलियो में पहले से ही स्टॉक शामिल है तो कंटिन्यू होल्ड रखें, बिल्कुल भी सेल ना करें। तो यही स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। आप चाहें तो अपनी खुद की एनालिसिस, खुद की रिसर्च ज़रूर करके चल सकते हैं। तो यही बताने के लिए हमने वीडियो बनाई थी। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।